वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। जेईई मेन 2020 के सितंबर फेस के लिए एडमिट कार्ड एनटीए ने रिलीज़ कर दिए हैं। अभी एनटीए ने एडमिट कार्ड रिलीज़ किए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है जेईई मेन। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे जेईई मेन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, jeeimain.nta.nic.in। ये जो वेबसाइट दिख रही है, ये जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्लिक करने से पहले एक काम और कर लेना है। आपको अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट के लिए ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो ब्राउज़र है वो हमारा डेस्कटॉप साइट के लिए चला जाएगा, क्योंकि डेस्कटॉप साइट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि एनटीए ने जेईई मेन की ऑफिशियल साइट पे जब हम इसे मोबाइल मोड में खोलते हैं, यानी डेस्कटॉप साइट नहीं रहता है, तो वहाँ पे बोला गया है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डेस्कटॉप साइट पे विज़िट कर लीजिए, आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप साइट पे अपने ब्राउज़र को कर लिया है। इसके बाद जेईई मेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे दो लिंक दी हुई हैं, इनमें से किसी भी लिंक की मदद से आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड सेप्टेम्बर फेस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। पहले आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है लिंक वन से, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। फिर आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इस लिंक से डाउनलोड नहीं करना है तो आप दूसरी लिंक की मदद ले सकते हैं। ये जो सेकंड लिंक है हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर भी सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सबमिट कर देना है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बहुत लंबा इंतजार हुआ जेईई के पेपर का, अप्रैल से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर सितंबर में फाइनली कंडक्ट हो रहे हैं। तो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेईई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।